हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश मशीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि हमने आपको बताया रखा था कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन स्ट्रैटेजी में किस तरीके से वर्क करना है। 2 दिन तक हमने आपको बैंक निफ्टी में ऑप्शन स्ट्रैटेजी दी थी और आपने बहुत अच्छी खासी कमाई करी होगी अगर आपने उस स्ट्रैटेजी पर वर्क करा होगा। अगर हम बात करते हैं कि अब किस तरीके से वर्क करना है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले ही बता दी थी रेंज एक जो कि बैंक निफ्टी में बन के आ गई है 31,780 से लेकर 31,000 की। आज हमने देखा था कि वो 31,000 की जो रेंज थी वो टूट गई थी और टूटने के बाद उसके नीचे ही उसने क्लोजिंग दी है। अब किस तरीके से हमें रिएक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर हम आर्ली चार्ट की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी पे हमने देखा है कि डबल बॉटम डबल टॉप बन चुका है। तो हम कह सकते हैं कि डबल टॉप इन द सेंस जो बना है वो बना है 31,400 के आसपास, और जो डबल बॉटम बन रहा है वो बॉटम बन रहा है 30,900 के लेवल के आसपास। सो गाइस, ये जो एक लेवल बन के आ गया, शायद हो सकता है कि ये बॉटम ना तोड़े और वहाँ से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल जाए और बैंक निफ्टी 31,200 की तरफ बढ़ने की शुरुआत कर दे। हो सकता है कि अगर ये 31,900 का लेवल ब्रेक कर देती है तो बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, तो बैंक निफ्टी का अहम लेवल जो एक जो मैं कहता हूँ अब सपोर्ट बन सकता है, वो बन सकता है 30,350 के आसपास। सो गाइज, अगर बैंक निफ्टी 30,900 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो हम कह सकते हैं कि जो उसका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है एक हफ्ते के अंदर आ जाए, तो हम कह सकते हैं वो हो सकता है 30,350 या 30,400 का लेवल। अब वो रेंज को मैंने आपको बता दी है कि वो रेंज क्या है। अगर उस रेंज को ब्रेक करके वो क्लोजिंग करता है तभी हमें वो ट्रेड लेना है। बाय साइड में हमें कब ट्रेड लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी कोई ट्रेड नहीं लेना। सबसे पहले हम कल के मार्केट के लिए 5 शेयर की बात करते हैं, कल कौन से 5 शेयर चल सकते हैं। सो हम बढ़ते हैं 5 स्टॉक्स की तरफ, जिसमें से हिंद पेट्रो है, UBL, मैकडोवल्स, बजाज फाइनेंस, वोल्टास। इन पेट्रो में बाय करने की सलाह दूंगा, मेरे बहुत टाइम से ये शॉर्ट पोजीशन में था। मेरा जो टारगेट था वो 301 से 291 के आसपास था, तो हमने जो क्लाइंट्स की जो पोजीशंस थी और जो मेरी पोजीशंस थी, सॉरी, मैं एग्जिट कर चुका था 299 के आसपास, समथिंग के आसपास। तो अब यहाँ से मैं एक कॉन्ट्रा पोजीशन लेना चाहता हूँ जो है बाय, क्योंकि चार्ट्स में अब एक सपोर्ट लेवल है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन पे ये एक सपोर्ट लेवल बन के आ रहा है 302 का, जो कि करंट मार्केट प्राइस है। 301 303 के बीच पे एक सपोर्ट बन के आ रहा है, जहाँ से शायद ये अगर उछाल देगा तो 311 तक ये आराम से जा सकता है। 311 के बाद हम अपनी नई स्ट्रैटेजी के बारे में सोचेंगे, क्योंकि वहाँ से जो चार्ट का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है अभी इन पेट्रो के अंदर, मैं बाय की सलाह दूंगा जिसमें टारगेट आ सकता है 311 एक या 2 दिन के अंदर। स्टॉप लॉस आपको 296 या उसके थोड़ा सा नीचे भी आप मेंटेन करके रखेंगे सो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड में निकलेंगे जरूर। UBL बाय करने की सलाह दी जाएगी। देख रहा हूँ मैं 2 दिन से ये आउट परफॉर्म नहीं कर रहा, पर मार्केट चाहे गिर रही हो चाहे बढ़ रही हो, ये अपने लेवल को सस्टेन करने की बहुत कोशिश कर रहा है, और मार्केट अगर हल्की सी भी रिकवरी दिखाती है तो ये और तेजी से ऊपर जाता है। सो चार्ट पैटर्न में बहुत अच्छा लग रहा है। जो इसका अल्टीमेट टारगेट मुझे लगता है वो 1382 का लग रहा है मुझे। यहाँ से कम से कम अगर हम बात करें तो 25 या 20 रुपये तक की अपसाइड मूव मुझे देखने को मिल सकती है इस UBL के अंदर। सो वो कब तक आ सकती है, वो उसे भी आने में मुझे लगता है 1 या 2 दिन लग सकते हैं। सो स्टॉप लॉस आपको 1345.7 का रखना पड़ेगा, ये मैंने थोड़ा पास का दिया, पर अल्टीमेटली जो मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1342 का होना चाहिए। तो जो ज़्यादा रिस्क ले सकता है वो 1342 का सेफ स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसे होल्ड करके चलिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1379 एंड फर्स्ट टारगेट इज 1367। जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते गाइज, मैं उससे सलाह यही देता हूँ कि आप सिर्फ पहले टारगेट पर एग्जिट कर जाइए, दूसरे टारगेट के बारे में सोचेगा ही मत। मैकडॉवल्स बाय करने की सलाह दी जाएगी। एक पर्टिकुलर रेंज से इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद हमने देखा आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसमें वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे खासे इंक्रीज हुए थे और ओपन इंटरेस्ट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। सो मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर ये आपको 3576 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, अगर आपको ये 570 या 572 के अगर आसपास मिलता है तो उस पर्टिकुलर ट्रेड पे आप अपनी बाय पोजीशन को इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 580 584। स्टॉप लॉस आपको 566 का पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और
अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस मैंने आपको सबसे पहले बता चुका हूँ कि मैंने ये आपको अपने इस वीक के अंदर का एक स्विंग ट्रेड दिया था। स्विंग ट्रेड पर मैंने आपको बहुत सिंपल सी बजाज फाइनेंस के अंदर स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करी थी कि ये रेंज बन चुकी है, इस रेंज पे आप ऊपर भी बाय करके, नीचे से ऊपर बाय करके चलेंगे तो आप 100 पॉइंट अर्न करेंगे, चाहे नीचे से ऊपर बाय सेल करके चलेंगे तो भी आप 100 पॉइंट अर्न करेंगे हर 2 दिन में। तो गाइज बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी ये फॉलो कर रही है। हम देखते हैं कि 3400 से लेकर ये 3560 तक जाता है, वहां से दोबारा नीचे गिर जाता है, 3400 के लेवल में आने की कोशिश करता है, चाहे बाजार बढ़ रहा हो चाहे घट रहा हो। हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है, जब तक ये रेंज को नहीं ब्रेक करती तब तक आप इस तरीके से ट्रेड करके इसमें फायदा कमा सकते हैं। अब इसका अगर हम करंट लेवल की बात करें तो ये 3005 पे ट्रेड कर रही है। अब इस पे एक डाइवर्जन अगर हम बात करें, ये एक रेंज में आ चुका है जहां से शायद ये ऊपर की तरफ अगर जाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा, सॉरी ये हम कह सकते हैं कि ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, करंट मार्केट प्राइस जो इसका है वो 3505 है। अगर ये 3505, आप इसे नोट करके चल सकते हैं, ये जो आपको टारगेट स्टॉप लॉस दिख रहा है ये करेक्ट नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 13505 का करंट मार्केट प्राइस है, आपको इसे बाय सेल तब करना है जब ये 13510 के आसपास होगा। टारगेट जो आप मेंटेन करके रख सकते हैं वो करके रख सकते हैं 34,085 एंड 34,085 का, 3485 का आप टारगेट मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होगा वो 3560 का होगा। वोल्टास की बात करें तो वोल्टास को आपको सेल करके चलना है, 605,598 का टारगेट, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा वो होगा 615 का। अब हम बात करते हैं ऑप्शन कॉल की। ऑप्शन कॉल पे भी मैंने आपको कल बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी दी थी कि जब अगर वो 31,000 30,000 का लेवल ब्रेक करता है, 30,100 का लेवल अगर वो ब्रेक करता है तो आपको अपनी सॉरी अगर वो 30,200 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको अपनी पुट पोजीशन को इनिशिएट करना होगा, जो कि 30,000 का लेवल होगा, 31,000 का लेवल होगा। सो गाइस वो टारगेट भी हमें अचीव होते हुए दिख गया था। अब हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है बैंक निफ्टी के अंदर, शायद हो सकता है कि वो दोबारा रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करे और वो 31,700 की तरफ बढ़ने की कोशिश करे। अगर वो रेंज में दोबारा आ जाता है, जो कि रेंज है 31,000 से ऊपर की रेंज स्टार्ट होती है, अगर वो दोबारा रेंज के अंदर आता है तब हमें कब बाय करना है, जब वो 31,350 के ऊपर क्लोजिंग देती है, 31,350 के ऊपर जब वो क्लोजिंग देती है बैंक निफ्टी, तब हमें 31,700 की कॉल को बाय करके चलना पड़ेगा जो कि जून 20 की है। पर अगर वो 30,900 को ब्रेक कर देता है तब आपको 30,500 की पुट को बाय करके चलना है, जो कि आपको 100 रुपीज़ में बाय करनी है, जिसका टारगेट आपको इनिशिएटली 210 का मिल सकता है, यानी कि 2 गुना डबल हो सकता है। स्टॉप लॉस आपको 50 का मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो आपको मैं बता चुका हूँ आपको किस तरीके से कॉल और पुट दोनों में इनिशिएट करके आप पैसा कमा सकते हैं, जिसमें अगर 30,900 ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस पे तब आपको पुट बाय करनी है 30,500 की, अगर 31,350 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो आपको 31,700 की कॉल को बाय करके चलनी है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।